फ्रेंड्स, आज हमने देखे सेब का मुरब्बा बनाया है और बहुत ही फायदे का होता है ये। आप अगर एक पीस रोजाना खा लें तो आपकी सेहत बन जाएगी इससे, तो आप लोग जरूर इस तरह से बनाइएगा। फ्रेंड्स, आज हम सेब का मुरब्बा बनाएंगे। तो हमने उसके लिए देखे अच्छे पके हुए दो सेब ले लिए हैं, उनको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। तो अब हम इनको कट करेंगे, काटेंगे और राउंड शेप में काटेंगे। तो देखते हैं सेब हमारे अंदर से कैसे निकलते हैं। नज़र तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, वाओ, अच्छा निकला है सेब हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम सर्कुलर इनको कट कर लेते हैं। तो देखें, हमें इतना मोटा इन्हें काट लेना है। सेब को भी हम इसी तरह इतनी ही थिकनेस में इस तरह से हम काट लेते हैं और ये निकाल देंगे। और ये जो बीजों वाला पार्ट है ना, इसे हम नाइफ से बीजों को देखें निकाल देंगे इस तरह से। बड़ी नाइफ से आप निकाल दीजिएगा, थिक सा एप्पल चाहिए। तो इसी तरह से हम सारे ही पार्ट को इसके कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने सब कट कर लिए। हमने पैन लिया, 3 इलायचियां ऐसे डार्क होकर, हमने चीनी ली है, 3 छोटे चम्मच चीनी है। आप जितना मीठा खाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसकी चाशनी बनाऊंगी तो मैं लगभग हाफ कप के करीब पानी ऐड कर दूंगी। तो हम इसे पकाएंगे। मैंने थोड़ा इसे केसर की पत्तियां डालनी है। मैं यहाँ पर 3-4 केसर की पत्तियां भी ऐड कर देती हूँ। तरफ चलते हैं, इसे पकाते हैं चाशनी। केसर का कलर भी इसमें आने लगा है। अभी थोड़ा सा हम इसे गाढ़ा करेंगे। इसे एक दाल की चाशनी के करीब हो जाए तब यहाँ पर मैं सेब भी ऐड कर दूंगी। सेब को हम चाशनी के साथ पकाएंगे। यहाँ पर हम चाशनी में आधा नींबू के करीब डाल देंगे ताकि ये स्लाइस नहीं हो जाए, जम नहीं जाए। बाद में डालेंगे, अगर अभी डालेंगे तो ये हमारा फ्लेम कड़वा हो जाएगा। तो जब हमारे बिल्कुल ये रेडी हो जाएंगी चीज़ें, अच्छे से एप्पल पक जाएगा, चाशनी गाढ़ी पड़ जाएगी, बिल्कुल लास्ट में हम गैस का फ्लेम बंद करने के बाद नींबू के कुछ पत्रे डाल देंगे। उससे ये होगा कि चीनी जो है हमारी जमेगी नहीं। आइए चेक करते हैं चाशनी को। चाशनी हमारी काफी देखें गाढ़ी पड़ गई है और इसका हम तार आपको चेक करवाते हैं। देखें, तार बनने लगा है। बस इतना ही हमें गाढ़ा रखना है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको आपको निकाल कर दिखाते हैं। वाओ, कितना अच्छा बना है ना, और कितना
फायदे का है सेब और सेब का मुरब्बा। अगर आप रोज एक पीस खा लें ना तो आपके लिए कितना अच्छा है, आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है आप सोच नहीं सकते। सेब तो हर दिनों में नहीं आता है, लेकिन मुरब्बा अगर आप बना कर रख देंगे तो आपके सालों साल काम आएगा ये, और आप कभी भी खा सकते हैं। तो आप इसे बनाकर स्टोर कर कर आराम से फ्रिज में रख दें। तो हम यहाँ पर थोड़े से लीमू के कुछ कतरे डाल देते हैं, कुछ ड्रॉप्स, वो भी इसलिए डालेंगे कि चीनी जो है हमारी जमे नहीं। तो मैंने आधे लीमू से कम ही डाला है क्योंकि मेरा मुरब्बा थोड़ा कम है, और इसे अच्छे से मिला देंगे। वाओ, लग रहा है ना कितना बढ़िया। तो सेब तो है ही बहुत अच्छी चीज, और अगर सेब का मुरब्बा अगर आप बनाकर रख लेते हैं तो क्या कहने, बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे और बड़े भी। मुरब्बे को चेक करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बस फटाफट से जी चाह रहा है खा लें इसे। तो आप सुबह खाइएगा नहार मुंह, नाश्ते से पहले खाइएगा तो उसकी बात कुछ और है, वो आपको बहुत फायदा देगा। तो देखिए हम इसे निकाल लेते हैं, और ये सभी पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, वैसे भी पेट के मरीजों के लिए, जिनको वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, उनके लिए, सभी के लिए बहुत फायदे की चीज है। तो हम इतनी फायदे की चीजें खाते नहीं हैं तो हमें मालूम भी नहीं है। तो आप लोग इतने फायदे की चीजें बनाइए और अपने घर में खाइए, खिलाइए। थोड़ा ही बनाकर ट्राई किया है, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, और आप देख सकते हैं कितना सिंपली हमने इसको बना लिया ना। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में इतने काम की, इतने फायदे की वीडियो को तो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना अच्छा मुरब्बा सेब का हमने 10 मिनट के अंदर बना लिया। तो आप लोग देख सकते हैं बड़ा ही अच्छा सा मुरब्बा हमने कितनी जल्दी तैयार कर लिया, और ये बहुत ही काम का और फ़ायदे का मुरब्बा है। आप लोग इसे ज़रूर खाइएगा। आपने सुना भी होगा एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो आप इसके फ़ायदे तो आप समझ ही गए होंगे। तो आप लोग इसे रोज़ाना अगर खाएंगे तो आपकी बहुत सारी पेट की और हार्ट की और सारी प्रॉब्लम्स दूर रहेंगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कर, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर।